नमस्कार, वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत। अभिनंदन, मैं रज शर्मा एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे सारे दर्शक, मेरे सारे भाई बंधु ठीक ठाक होंगे। आज बात करेंगे दोस्तों यूरोप की एक ऐसी कंट्री जहां पर हर प्रोफाइल की डिमांड रहती है और जो विकासशील देशों में आती है, जहां पर आबादी कम है, जहां पर लेबर की शॉर्टेज है, जहां पर सैलरी का पे रेट बहुत हाई है और जहां का वीजा सक्सेस रेट बहुत ही हाईएस्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों शेंगेन कंट्री, पोलैंड के नेबर कंट्री लिथुआनिया की, जहां पर बहुत सारा इंडियन स्टूडेंट जाता है पढ़ने के लिए हर साल। और अब वहां पर लेबर शॉर्टेज की वजह से वहां की सरकार ने लेबर की डिमांड करनी शुरू कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये हमारी कंपनी नहीं कह रही, ये वहां की सरकार की डिमांड है। अलग अलग कंपनीज ने शॉर्टेज निकाल रखी है, कारण वहां पर बहुत ज्यादा लेबर की शॉर्टेज, कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा काम है। जो कंट्री तेजी से विकासशील होती है वहां पर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स लगते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज से, इसीलिए वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम है, वहां पर लेबर का काम है। लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर इंडियंस बहुत ज्यादा जाना पसंद करते हैं घूमने के लिए, बिजनेस के लिए, अगर मैं बात करूं टूरिज्म के लिए, और अब बच्चे पढ़ने के लिए स्टूडेंट बहुत जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि इंटरनेशनल, अगर मैं बात करें इंटरनेशनल एजुकेशन के नाम पर लिथुआनिया बहुत हाई रैंकिंग में आता है और लो ट्यूशन फीस आती है, इसी कारण स्टूडेंट वहां जाना चाहता है। लेकिन अब वर्कर्स की डिमांड वहां पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहां पे लेबर की डिमांड करनी शुरू कर दी है। इसमें कौन कौन सी प्रोफाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, खासकर कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है, या फ्रेशर है, या गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो लिथुआनिया में अप्लाई कीजिए। खासकर ड्राइवर्स, हैवी ड्राइवर्स, अगर इसके बाद बात करो क्रेन ऑपरेटर्स की बात करें वो अप्लाई कर सकते हैं। लेबर कंस्ट्रक्शन में अगर बात करें एक लेबर वर्कर वाला भी अप्लाई कर सकता है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, उसके एनओसी कोड्स आते हैं अलग अलग, वो जब आप अप्लाई करेंगे आपके पास वेबसाइट पर जाके समक्ष सारी डिटेल्स आ जाएगी। आगे बात करें दोस्तों हाउसकीपिंग वालों की, बहुत बड़ा डिमांड रहती है लिथुआनिया में, कारण ये टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा एक अंग कहा जाता है, टूरिज्म की बहुत बड़ा डिमांड है। यहाँ पे होटेलियर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लिथुआनिया में इन छुट्टियों में जो बात कर रहे हैं दिसंबर के बाद बहुत सारे फॉरेनर्स घूमने आते हैं अलग अलग देशों से, बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैं हमेशा से कहता हूँ जहां पर टूरिस्ट होगा वहां पर बिजनेस होगा, वहां पर जॉब निकलेंगी होटेलियर्स की। होटेलियर प्रोफाइल्स में छोटी लो क्लास प्रोफाइल से लेकर अपर प्रोफाइल तक बात करें, कुक, शेफ, हेड शेफ, इसके बाद बारटेंडर्स की डिमांड यहाँ पे रहती है, हाउसकीपिंग स्टाफ वालों की डिमांड यहाँ पे रहती है, और लगभग सभी प्रोफाइल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हब है लिथुआनिया, क्योंकि यहाँ से लॉजिस्टिक के बहुत सारे काम होते हैं। एक अगर बात करें, एक मध्य में पड़ता है शेंगेन में, जिससे लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की, लॉजिस्टिक वालों की प्रोफाइल्स की डिमांड यहाँ पे रहती है। लगभग इन सभी प्रोफाइल की वैकेंसीज लिथुआनिया में निकली। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों। पहला स्टेप है आपका अप्लाई करने का, सबसे पहले आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पहले एम्प्लॉयर मांगता है आपका सीवी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब जब भी आप अपना सीवी दिखाते हैं, सीवी भेजते हैं, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, सीवी प्रोफेशनल नहीं होता, अनप्रोफेशनल सीवी को कभी एम्प्लॉयर इंटरटेन नहीं करता, जवाब नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी बनाना पड़ेगा, नहीं बना रखा तो बना लीजिए। कैसे बनाते हैं खुद कोशिश कीजिए, उसके बाद नहीं है तो हम आपकी सेवा में बैठे हुए हैं। दूसरा बड़ा स्टेप है दोस्तों आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, जिस प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं उस प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स आप जरूर भेजें एम्प्लॉयर को, ताकि वहां की टीम उसको वेरीफाई करे, देन आफ्टर वो आपको इजिली रिवर्ट करते हैं। तीसरे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक इंग्लिश नहीं बोलनी आती बहुत सारे लोगों को, जिन्हें बेसिक इंग्लिश नहीं बोलनी आती वो मत अप्लाई करें, क्योंकि अगर कोई अपना नाम अपने बारे में बेसिक इंग्लिश भी नहीं बना सकता उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा दोस्तों। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करके अगर ट्राई करते हो तो रिजल्ट आने के चांसेस भी रहते हैं। आगे बात करें दोस्तों इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज में बैठे लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर मैं बात करूं खासकर गल्फ कंट्रीज में बैठे लोग जरूर अप्लाई करें, क्योंकि लिथुआनिया गल्फ ड्राइवर्स को इस टाइम पे बहुत जल्दी वीजा दे रहे हैं, गल्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर को जल्दी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गल्फ में जब वो काम करने व्यक्ति जाता है वो परफेक्ट हो जाता है उस काम में, इसलिए गल्फ के वर्कर्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है लिथुआनिया की सरकार, दे रही है तवज्जो। और सैलरीज की बात करें तो एक एवरेज सैलरी लिथुआनिया में, बेसिक एवरेज सैलरी जो है बिल्कुल कम से कम नाम मात्र, अगर सैलरी की बात करूं स्टार्टिंग 850 यूरो आपको मिल जाता है,
अकोमोडेशन आपको इम्प्लॉयर देता है, बहुत सारे केसेस में टिकट इम्प्लॉयर भेजता है, बहुत सारे केसेस में टिकट आपको खुद खर्चा करना पड़ता है। आगे बात करें दोस्तों, वीजा कितने टाइम का देता है इम्प्लॉयर, मोस्टली इम्प्लॉयर्स एक साल का वर्क परमिट देते हैं, लेकिन अब लिथुआनिया ने जो नया रूल लागू किया कि दो साल के परमिट आप दे सकते हो, तो टेम्पररी रेजिडेंट परमिट 2 ईयर्स का लिथुआनिया की सरकार इशू करने लगी है। इसका प्रोसीजर भी डिफरेंट है, जब आप अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद आपके पास इंप्लॉयर एक इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपके पास भेजेगा वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके होने जरूरी है, उस पर कंपनी की स्टैंप लगी होती है, वो डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद दोस्तों देन आफ्टर आपको करना है अपना ई माइग्रेस। ई माइग्रेस एक नया सिस्टम निकला है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसका एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। ई माइग्रेस का प्रोसेस आप खुद कैसे कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं आपकी सेवा में आपको समझाने के लिए, उसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी दोस्तों। ई माइग्रेस एक छोटे स्वरूप में बता दूं, एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ है जहां पे आपको अपने सारे वर्क परमिट की डॉक्यूमेंट की डिटेल डालनी होती है, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट होगी, अदरवाइज अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी। ये सिस्टम लिथुआनिया की सरकार ने कर दिया है, और खास बात बता दूं उसमें एक बड़ा जो चेंजेस किए हैं कि सिर्फ और सिर्फ VFS दिल्ली में फाइल जमा हो रही है इसकी, इंडिया वालों के लिए, नेपालियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश में इसके सेंटर्स नहीं है, और आपको एम्बेसी में डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेके जाने पड़ेंगे, VFS में आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेके जाने पड़ेंगे, उसके बाद फाइल जमा होने के बाद आपका इंटरव्यू भी आएगा दोस्तों। इंटरव्यू वीडियो कॉल पे आ रहा है, 1 से 2 मिनट का इंटरव्यू ले रही है लिथुआनिया की एम्बेसी। अगर आपको इंटरव्यू में उन्हें डाउटफुल लगा तो वीजा रिजेक्शन है सीधा, लेकिन अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उन्हें दिखा पाते हैं कि मैं एक जेन्युइन पर्सन हूं, मैंने अप्लाई किया, तो आपको वीजा 100% मिलेगा, और 2 साल का वीजा मिल रहा है। 2 साल का वीजा मिलने के बाद आगे आपके करियर को ग्रोथ करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलगी कि आप आगे 3 साल बाद या 2.5 साल बाद आप PR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और एक बार जो पर्सन यूरोप का PR हो गया, फिर वो चाहे किसी कंट्री में मूव ऑन करे या लिथुआनिया में बिजनेस करे, तो ऐसे प्रोसेस के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको तैयारी करनी होगी पहले से, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करो, क्योंकि हमारा मकसद होता है आपके तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और ई माइग्रेस की दूसरी वीडियो फिर बता रहा हूँ डाली जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना और उस वीडियो के लिए तैयार रहना। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको और क्या जानकारी चाहिए लिथुआनिया के रिगार्डिंग, और किस किस प्रोफाइल से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपको दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, अपनी क्वेरी जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी सेवा में बैठे हैं। आज के लिए इजाजत चाहूंगा, वीडियो को शेयर कर देना बने लेटेस्ट खबरों के साथ। जय हिंद।